हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गार्डनर दोस्त दीप, और आज मैं आपको अपने यहाँ आई हुई बारिश का ओवरव्यू दिखाऊंगा। तो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ अभी बिन मौसम बारिश आई है और मेरे सभी प्लांट देख रहे हैं। ये जो पत्तियां वाले क्रोटोन है वो तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, जो एकदम साफ हो गए और हरे भरे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कितना अच्छा लग रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये पेंडेनस प्लांट भी कितना अच्छा और बड़ा लग रहा है। और यहाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश चल ही रही है, रुक नहीं रही। और ये मेरा कोलियस प्लांट, ये भी कितना हरा भरा और हरा हो गया है और कितना सुंदर दिख रहा है। और मेरे सभी गुलाब है वो एकदम भीग गए हैं, और ये भी शौक हो गए होंगे कि इतनी बिन मौसम बरसात आई है, वो भी दिवाली के 2-3 महीने बाद। और ये देख सकते हैं, ये चेरी रोज, ये भी एकदम हरा भरा और सुंदर हो गया है। और आप देख सकते हैं, ये मेरा एक्जोरा प्लांट है जो भी बारिश में भीग चुका है। और ये मैं अब तो मेरे गार्डन में सबसे सुंदर दिखता है ये वाला प्लांट, जो क्राउन ऑफ थॉर्न का प्लांट है, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिएगा। और आप देख सकते हैं ये भी कितना सुंदर लग रहा है, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। ये दूसरी वेराइटी में भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है, जो मैंने आपको बताई थी। और ये मेरा क्रिसमस ट्री, जो आप देख सकते हैं, जो कितना अच्छा और सुंदर दिख रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे और दूसरे प्लांट, और ये मोगरे का प्लांट है, जो कि अब तो इसमें अब फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि विंटर चल रहा है, और ये अपनी एनर्जी स्टोर करेगा समर के लिए, जिसमें ये फ्लावरिंग करेगा। और ये भी मेरा दूसरा एक्जोरा प्लांट है, वो ड्रॉप वेराइटी है, और ये बड़ी वाली वेराइटी है जिसमें आप देख रहे होंगे कितनी बर्ड्स है, और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और इसमें पहले भी बहुत सारी फ्लावरिंग आई हुई थी, लेकिन अब इसमें वापस स्टार्ट हो गई है बर्ड्स आना। और ये मेरा बड़ा वाला क्राउन ऑफ थॉर्न वाला प्लांट है, जो भी मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था, ये भी बहुत ही अच्छा और सुंदर है, और ये भी एकदम हरा भरा हो गया है। और ये मेरा पेंडेनस प्लांट, सॉरी, ये मेरा पेडिलेंथस प्लांट है, और ये भी कितना सुंदर और हरा भरा हो चुका है। आप देख सकते हैं बारिश में इसको तो बेनिफिट ही हुआ है, और ये अब बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा, और साल भर में तो ये यहाँ तक हो जाएगा, इतना ऊंचा और भर जाएगा। और ये मेरा फुदीना प्लांट है, और आप देख सकते हैं ये भी कितना हरा भरा और सुंदर हो चुका है, और इसको तो मॉइस्चर से ये डबल ग्रो करता है, इसके लिए इसको तो बारिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया हुआ, ये तो और भी अच्छे से बढ़ेगा। और ये है बास्केट फ्लावर प्लांट, अगर आप जमीन में, इसका मतलब मिट्टी में, आप नीचे जमीन पर गार्डनिंग करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट प्लांट है। और ये अगर आप एक प्लांट भी अपनी जमीन पे लगा देंगे तो ये पूरी तरह ही फैलता जाएगा, और आपके सारी क्यारियों भी भर देगा, और आपकी क्या क्यारियां फूलों से एकदम भर जाएगी, क्योंकि ये फूल अपना स्टार्ट ही रखता है, ये सीजन के लिए फूल नहीं देता, ये सदाबहार की तरह सभी सीजन में फूल देता है। और मैंने इसकी कटिंग भी बना ली है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी सब में फ्लावरिंग भी हो गई। मैं आपको इस पे भी वीडियो दिखाऊंगा इसकी कटिंग पे। और ये मेरा तुलसी प्लांट है, जो बारिश से थोड़ा सोख में आ गया है, जिसकी पत्तियां गिर चुकी है। और ये मेरा रियो प्लांट है, मैंने आपको इस पर भी वीडियो दिखाया था, लेकिन मैंने अब तो इसको रिपोर्ट कर दिया है। और ये मेरा स्वीट पोटैटो वाइन, जिसको बहुत ज्यादा बारिश से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये हमारी रूफ के ऊपर, रूफ के नीचे था, इसलिए इसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट और है। ये मेरा डेफेनबेकिया प्लांट जो भी बहुत सुंदर दिखता है, और इसमें ये न्यू लीफ भी ग्रो की हुई है बहुत ही अच्छी, और ये एकदम हरा भरा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा व्यू ओवरव्यू और मेरे ये प्लांट पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।